इस प्रेस वार्ता में जो विषय सरकार के द्वारा कल एक आदेश जारी किए हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उसका कड़ा विरोध करती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर्स के तले हमने एक आग्रह सरकार से पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार का आदेश आपने कल ये वेतन आयोग से संबंधित जो एरियर है, डीए का एरियर है, इसको निकाला है, उसको आप सरकार इसको वापस करें, अन्यथा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग आपसे इस फैसले का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार बैठा है। आप हैरान होंगे जो सरकार ने कल एक आदेश निकाला है जिस आदेश के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारी को 2016 का जो वेतन मान है उसका एरियर देने की बात की है, और अभी जो आपकी घोषणा हुई है डीए की उसको देने का एरियर देने की बात की है। तो उसको मैं उदाहरण के माध्यम से अगर समझाना चाहूँ, किसी कर्मचारी का 2 लाख का एरियर है तो उसको आप पहली किस्त जो मार्च में सरकार ने देने की घोषणा की है 1.5% यानी 3,000 रुपये, और 1,97,000 को वो आप इस प्रकार टुकड़ों में बांट दिया है जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार को 32 साल लग जाएंगे। 32 साल में प्रदेश कर्मचारी रहेगा या नहीं रहेगा वो सोचने वाला विषय। एरियर को भी आपने देने की बात की, उसको पूरा करने 5 साल 5 महीने लगने वाले हैं। तो इस प्रकार के आदेश का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विरोध करता है और सरकार से आग्रह करते हैं इसको तुरंत जो है विड्रॉ करें, और ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार के आदेश निकाल कर सरकार की छवि को खराब करने का काम करें उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हर त्यौहार में आपकी तरफ देखता है, और त्यौहार के बाद जब उसके हाथ में हताशा लगती है तो उसके बाद जिस प्रकार का आदेश आप निकलवाते हैं उससे प्रदेश का कर्मचारी वर्ग खपा है आपसे, और आपसे आग्रह करता है इसको बदला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।